और सबसे पहले मैं अपने प्रेस के साथियों को आपके माध्यम से पूरे देश और प्रदेशवासियों को मैं रामनवमी की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। ऐसा त्यौहार, ऐसे दिन जहाँ से अच्छी शुरुआत होती है, मुझे खुशी इस बात की कि आज कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी और समाजवादी पार्टी की आज हम मिलकर के प्रेस कर रहे हैं। पहले चरण का चुनाव उत्तर प्रदेश का होने जा रहा है और जो पश्चिम से हवा चल रही है वो पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश और देश के माहौल को बदलने जा रही है। आज गाजियाबाद में बैठे हैं, इस बार भारतीय जनता पार्टी को गाजियाबाद से लेकर के गाजीपुर तक इंडिया गठबंधन सफाया करने का काम करेगा। आज किसान दुखी है, तमाम जो वादे किए थे भारतीय जनता पार्टी की हर बात झूठी निकली, उनके वादे झूठे। न किसान की आय दोगुनी हुई, न नौजवान को नौकरी रोजगार मिला, और जो सपने दिखाए थे विकास के वो भी अधूरे हैं। जो इनका नैतिकता का बुलबुला था वो भी टूट गया। इलेक्ट्रल बॉन्ड ने इनका बैंड बजा दिया। भारतीय जनता पार्टी सभी भ्रष्टाचारियों का गोदाम बन गई। न केवल भ्रष्टाचारियों को ले रहे हैं, बल्कि भ्रष्टाचारियों ने जो कमाया है उसको भी अपने साथ रख रहे हैं। जहां उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, डबल इंजन की सरकार में जो दावा करते रहे डबल इंजन, उनकी होर्डिंग देखिए आप कि अब डबल वहां पर नहीं दिखाई देते हैं, अकेले दिखाई दे रहे हैं। इनके प्रत्याशी होर्डिंग से गायब हैं और चुनाव के बाद होर्डिंग पे जो अकेले हैं वो भी गायब हो जाएंगे और सफाया होने जा रहा है। इनका एक ही नारा है, झूठ बोलने का और लूटने का। लूट और झूठ भारतीय जनता पार्टी की पहचान बन गई है। पेपर लीक कितने हुए हैं, एक दो होते तो ठीक था, लेकिन 10 पेपर लीक हुए। और मैंने कई मौकों पर वो बात बताई कि अगर एक परिवार के हम केवल 3 सदस्यों को मान लें, जिस व्यक्ति ने परीक्षा लिखने की तैयारी की, जो परीक्षा नहीं दे पाया पेपर लीक के कारण, और उसके माँ बाप को अगर हम जोड़ लें, तो ऐसे 60 लाख नौजवान हैं। 60 लाख नौजवानों का भविष्य अंधकार में डाल दिया। और अगर 60 लाख का गुणा करें हम 3 से, 1,80,00,000, और 1,80,00,000 को अगर हम डिवाइड कर दें 80 लोकसभाओं से, तो भारतीय जनता पार्टी का 2,25,000 वोट हर लोकसभा में कम हुआ है। इसलिए एक भी वोट बट ना पाए। जहां हमें मतदान करना है वहीं मतदान के दिन हमें सावधान भी रहना है। अगर हम सावधान रहकर के मतदान करेंगे और अपने बूथ की चौकीदारी करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। आने वाले चुनाव में, ये देश का चुनाव है, देश की जनता बदलाव चाहती है और बदलाव की हवा पश्चिम से उत्तर प्रदेश से चल रही है। और मुझे पूरा उम्मीद है आने वाले समय में इंडिया गठबंधन और नई सरकार देश में दिखाई देगी। शुक्रिया अखिलेश जी। राहुल जी, नमस्कार। रामनवमी की आप सबको, देश को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये चुनाव विचारधारा का चुनाव है। एक तरफ
आरएसएस और बीजेपी, जो संविधान है, लोकतांत्रिक सिस्टम है, उसको खत्म करने की कोशिश कर रही है, और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी संविधान को, लोकतंत्र को डिफेंड करने की कोशिश कर रही है, उसकी रक्षा कर रही है। चुनाव में दो तीन बड़े मुद्दे हैं। सबसे बड़ा बेरोजगारी, दूसरे नंबर पर महंगाई, भागीदारी। मगर बीजेपी 24 घंटा डिस्ट्रैक्शन करने में लगी रहती है। कभी प्रधानमंत्री समुद्र के नीचे चले जाते हैं, कभी आसमान में सी प्लेन पे चले जाते हैं, मगर जो मुद्दे हैं उनके बारे में ना प्रधानमंत्री ना बीजेपी बात करती है। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने एएनआई को बहुत लंबा इंटरव्यू दिया, स्क्रिप्टेड था मगर फ्लॉप शो था। प्रधानमंत्री जी ने उसमें इलेक्टोरल बॉन्ड्स समझाने की कोशिश की। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स का सिस्टम ट्रांसपेरेंसी के लिए लाया गया, राजनीति को साफ करने के लिए लाया गया। अगर यह सच है तो उस सिस्टम को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द क्यों किया? और दूसरी बात, अगर आप ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते थे तो जिन लोगों ने आपको पैसा दिया, बीजेपी को पैसा दिया, हजारों करोड़ रुपए दिए, उनका नाम आपने क्यों छुपाया था? और जिन तारीखों पे उन्होंने आपको पैसा दिया उसको आपने क्यों छुपाया था? पता लगता है हजारों करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट किसी कंपनी को मिलता है, उसके एकदम बाद वो कंपनी बीजेपी को पैसा देती है। सीबीआई की इंक्वायरी होती है, ईडी की इंक्वायरी होती है, किसी कंपनी पर शुरू होती है, उसके 10-15 दिन बाद कंपनी करोड़ों रुपए बीजेपी को देती है और फिर सीबीआई की इंक्वायरी, ईडी की इंक्वायरी बंद हो जाती है। सड़क पे इसको एक्सटोर्शन कहते हैं, एक्सटोर्शन कहते हैं सड़क पे। तो ये जो है इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो स्कीम है, ये दुनिया का सबसे बड़ा एक्सटोर्शन का स्कीम है। हिंदुस्तान के सारे बिजनेसमैन इस बात को समझते हैं, जानते हैं, और प्रधानमंत्री जितनी भी सफाई देना चाहें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि पूरा देश जानता है कि प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के चैंपियन है। धन्यवाद।